असीं ना मजदूर बंदे सी, इह रब ने बांह फड़ी आ ते मैं आदि जनाब औकात नहीं भुलिया गया, मैं सादा जिहा बंदा हैगा। जे वेखां मैं अपने अमलां वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखां सोहणिया तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। फिर इत्थे मलकां दे सोटियां बीजियां सी, बांस पुट के लिआंदा मैं, सम आप चाड़ी घर पैप कट के ला चुंझ मिलाई। हुण मैं कहा बेटा ए वल सिख इहदा नेजे दा 85 मुल्क सी हिंदुस्तान च, 23 नंबर ते आया सी। करोड़ांपति रब ने पैसे दिते, हुकूमत ने बड़ा साथ दिता। ते रखण दी की वजह इह मैं आदी औकात नहीं भुलदा जी। अच्छा, हांजी, मैं मजदूर बंदा वा, कोठी लई आ। किथे? शहर गुलबर्ग। देखो जी, मैं पेंडू बंदा हैगा, मेरा उत्थे गुजारा नहीं हैगा। अस्पताल गवर्नमेंट ने ना कीता वा, मैं अपनी गड्डी ते अस्पताल लै के जाना, बंदिआं नूं बुढ़ियां नूं फ्री लैके जाना, उत्थे दवाई लैके जाना वा, जिहड़ा मेरा काम है मैं कर रहा हां। एक मैं ग्राउंड इत्थे बनाउण लगा वा, मैं इंशाल्लाह जिंदगी दी ग्राउंड बन गया, मैं कई अच्छे तैयार करांगा। ओह कदों जाना वा, कराची जाना, पहले इत्थे मेरे को लिआंदा वा, सलाम करदा, उस तों बाद अग्गे चलदा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम भी है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, वर्ल्ड चैंपियन अरशद नदीम साहब ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और दुनिया भर में उनको सराहा गया, खासकर पाकिस्तान और इंडिया में उनको मतलब सरे फहरिस्त रखा गया कि उन्होंने वाकई ही कोई वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड तोड़ा है। और पूरे पाकिस्तान में हर बंदा खुशी मना रहा था कि वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान आ रहे हैं। जब वो पाकिस्तान आए, वो किस गांव में रहते हैं, किस जगह पैदा हुए, किस तरह ज़िंदगी गुजारी, वो सब कुछ आप इससे पहले भी जान चुके हैं, आज भी आपको बताएंगे। मेरे साथ वर्ल्ड चैंपियन के वालदे मोहतरम मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इतने सारे पैसे, इतनी सारी रकम आने के बावजूद इन्होंने क्या चेंज किया, कौन सा महल बना लिया, किस तरह घर में तब्दीली की और कितनी गाड़ियां इनको मिली। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह शुक्र है जी, थोड़ी दुआएं पर। आप वर्ल्ड चैंपियन अरशद नदीम साहब के वालिद हैं? जी जी। सगे वालिद हैं? जी। आपको सुना है कि करोड़ों रुपए और बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली हैं? जी जी। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है जी। हुकूमत ने बड़ा साथ दिता जी, उन्होंने बड़ी मेहरबानी है, आवाम ने साडे साथ दुआ की है। मैं आवाम से बड़ा राजी हैगा वा, मैं भी दुआ करता रहा, आवाम ने दुआ की है तो मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। असीं ना मजदूर बंदे सी, इह रब ने बांह फड़ी आ, फिर असीं मजदूरी कोई नहीं कीती, तुहाडे सामणे सादा जिहा बैठा। मजदूर बंदे की करदे सी, मजदूरी किस तरह दी करदे सी? देखो जी, मैं देसी गांडी वाहना वा। अच्छा। मिस्त्री नाल काम करदा, मजदूरी है नाल, मजदूर ठेकेदारी माड़ी मोटी करदा जी। पिंडां दे विच 5-7 पिंड हैगे आ ते मैं आदि जनाब औकात नहीं भुलिया गया, मैं सादा जिहा बंदा हैगा। जे वेखां मैं अपने अमलां वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखां मैं अपने अमलां वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखां सोहणिया तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। देखो जी, मैं औकात नहीं भुली, करोड़ांपति रब ने पैसे दिते, हुकूमत ने बड़ा साथ दिता। मरी नवाज इत्थे आई जनाब, वो मैं मिल के गई आ, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मदद की आ, करोड़ों रुपये पैसे दिते आ, तो असी आदि मगरूरी नहीं रखी। लोगों का ये कहना है कि आपको बहुत ज्यादा रकम मिली, गाड़ियाँ मिली, करोड़ों रुपए मिले, करोड़पति बन गए, उसके बावजूद मोबाइल आपने फिर वो बटनों वाला सस्ता रखा हुआ है। हाँ जी, मैं आज औकात नहीं भूली है, मैं आज औकात है। क्या आप तक पैसे नहीं पहुंचे? नहीं जी, हर चीज मिली है, रब का शुक्र है कि मेरे बेटे ने क्या, हीरे ने, अरशद नदीम ने, कि अबू पैसे किन्ने मर्जी लै, तू नमाज पढ़, काम नहीं करना है, मैं 6 महीने हो गए मैं वेला फिर रहा, मैं नमाज पढ़ रहा, मोटरसाइकिल लेके मैंने गड्डी भी दी है, कि बड़ा शुक्रिया अदा मैंने अल्लाह ने दी है। बेटे से तल्लुकात ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है। बेटे ने क्या कहा है कि मोबाइल का? नहीं कहा कि मोबाइल अब्बा जी नया ले लें? नहीं जी, मैं आपको आईफोन ले देता हूँ, 14 ले देता हूँ, 15 ले देता हूँ। उन्होंने मोबाइल में दिता जी, मेरे गीसे से मैं कूड़ नहीं मार रहा, लेकिन मैं चलाने दे पता नहीं हैगा, मेरे को मोबाइल हैगा। तो यह छोटा जहा सस्ता जहा मोबाइल क्यों रखा हुआ? ये मैं रखे जी, मैं आधी औकात नहीं भूल रहा, मोबाइल में दिता है। कि दिता है? हाँ, ये उन्होंने इनाम मिलया सी मेरे हीरे ने अरशद नू, उन्हें डब्बा पैक मैं दे दिता। बिल्डिंग लई है, कोठी लई है, शहर गुलबर्ग, मेन मार्ग गुलबर्ग लई है, मियां चन्नू कोठी लई है। देखो जी, मैं पेंडू बंदा हैगा, मेरा उत्थे गुजारा नहीं हैगा, 2-3 महीने रहा वा। लग्जरी लाइफ नहीं पसंद? हां जी, कि मैं आ सादा जिहा बंदा हैगा। अमीरां वाली जिंदगी नहीं पसंद? नहीं जी नहीं, मैं गरीबां वाली पसंद है। देखो जी, तुहानूं मैं अग्गे दस्सिया ना कि मैं ऐसा बंदा हैगा वा कि ओह ना होवे कि मेरी मगरूरी नहीं होनी चाहीदी, कि अल्लाह ताला दी पकड़ बड़ी भैड़ी हैगी आ, मैं आदी औकात तों बाहर नहीं हैगा, समझदा। हुण इन्ने सारे पैसों का की करोगे?
देखो जी जंज घर बनाने लगे हैं, 4.5 किले असं लिया शहर के उत्थे जंज घर बनाने लगे हैं, वो ले आ 14 करोड़ के, इतने 2 किले इतने ले आ, वो ले आ जनाब असी करोड़ में भी उपर गए हैं, इतों ले आना है सी बंदे 2 किले इतने ले आ, 4.5 किले उत्थे शहर से लो जंज घर बनाने, कमरे कुमरे बनावे निजाम कर लगे हैं, अल्लाह ताला कबूल करेगा। इतने तो जी सादा ही है जी, पहला ही है जी, बनावे हाले कच्चा घर है तकरीबन, हाँ जी कच्चा ही है जी। अच्छा मतलब थोड़ा जहा काम शाम हो रहा है, हां जी हां जी, किधर कच्चा किधर पक्का, हां जी पहले की इथे कोई बड़ी कोठी कोठी बनाओगे? देखो जी बनावांगे अल्लाह की तो, पहले वो काम कर लिए, केड़ा मेरा बेटा कहंदा फिर इन्हें बनावांगे नहीं, तो गरीबा दा भी ख्याल खुल कीता है कि नहीं? देखो जी मैं ते सामने हुन मीटर लवा के आ गरीबा दा, अस्पताल गवर्नमेंट ने ना कीता वा, मैं अपनी गड्डी ते अस्पताल लेके जाना, बंदे नु बुढ़िया नु फ्री लेके जाना, उथे दवाई लेके जाना, केड़ा मेरा काम है मैं कर रहा हां। गड्डियां छड़ियां किनियां मिलियां तानू? किनियां मिलियां सानू? गड्डी मैंने ते जरा इक्को मिली है जी, 11 मॉडल। अच्छा बेटे नु किनियां मिलियां ने? बेटे नु 3 मिलियां जी। 3 मिलियां ने ते ताडी मिसेज नु भी गड्डी मिली? हां जी उनां नु मिली है जी। बाकी बच्चियां नु भी? नहीं जी बाकी बच्चे नु मिलियां, ओ अर्शन दित्तियां ने लेके दित्तियां ने, सब कुल 4 मिलियां। पहले तो हुण जिंदगी किन्नी कु चेंज होई है? जिंदगी जी मैं इस पिंड मजदूर बंदा सी, अच्छे से पढ़ते रहे, मैं अपनी मजदूरी करके खाता रहा, चोरी नहीं की, यारी नहीं की, हक लाल दी कमा के खानी कबाल था, मेरा अमान कि बड़े ईमानदार है गए, पर ईमानदारी बड़ी औखी है हुण। अच्छा, दुनिया जो मजदूरी के हवाले नाल ये दसो कि तुसी चूंकि गरीब सी मजदूर सी, पैसा दूर दूर तक नजर नहीं आंदा सी, अरशद नदीम साहब दी परवरिश किस तरह कीती, उन्होंने संभालिया किस तरह, उन्होंने जरूरियात किस तरह पूरियां कीतियां? देखो जी वो अल्लाह करदा रहा, मैं इला वसीला करदा रहा, कोनी जनाब मैं बादाम कसकास चारे मगज पलाना रहा गर्मियां च, इतने पैसे कितों आंदे सी, बादाम बड़े महंगे, मतलब किस तरह मामला मैनेज कर रहे? मैं जनाब मजदूरी करदा, देसी घंडी वांदा रहा, विचों गुंजाइश कढ के बच्चे भी पाले आ, उन्हां नूं खवांदा भी रहा, फिर इत्थे मलकां दे सोटियां बीजियां सी, वांस पुट के लिया, मैं सम आप चाड़ी घर पैप कट के ला चुंज मिलाई, उन्होंने मैं कहा बेटा ए वाल सिख, उदों हुकूमत इहदा नेजे दा नेजा आप बनाया, मैं आप कीता, आप बनाया जी नाब, 85 मुल्क जी हिंदुस्तान च तीसरे नंबर ते आया सी जी जी, मैं घर वाल सिखाया जी, फिर जनाब मिडी वाले आए तिरंगे भरा, उन्होंने मिट्टी पट्टी, हुकूमत ने बांह फड़ी, फिर रब ने बांह फड़ी है, ऐसे हुकूमत ने बड़ा साथ दिता, इन्हों की बड़ी शुक्रिया अदा मैं करता हूँ, मियाँ साहब होए दोनों भरा ही मरी नमाज इतने मैं आके मिल के गई है कि मैं बड़ा खुश हूँ, फिर उन्होंने मैं लिख के दिता कि साढ़े पिंड गटर सिस्टम तो पक्या बनानी है, लिख के लै गई, कहीं बिल्कुल बनाऊंगा, एक मैं ग्राउंड इतने बनाने लगा वा, मैं इंशाल्लाह जिंदगी रही ग्राउंड बन गया, मैं कई अच्छे तैयार करा इंशाल्लाह जिंदगी रही। मरियम नवाज साहबा ने की गलबात की थी, फैमिली ना की गलबात की थी, ताड़े नाल की गलबात की थी? देखिए जी उन्हें कहा भी जो तुम्हें चाहिए तुम मैंने दसिया जी घर आके 1.25 करोड़ की गाड़ी देगी, 10 करोड़ रुपया चैक देगी सू, बैंक वाले बंदे ना रखे जी, उस तो बाद कहती 14 अगस्त नाल चलो, उन्हें पूरी फ्लैट करा के दी सू, असं मुल्तानों गए गड्डिया के आपो आप सा नाल हैलीकॉप्टर गई है मीए को, उन्हें जनाब सू 15 करोड़ रुपया दिता वा, उस तो बाद पेशावर गए हैं, एक स्पीकर से मैंने उन्हें ना नहीं आता, मन पार बंदा है 10 करोड़ उन्हें दिता सी, फिर जनाब ही कराची गए हैं, उन्हें 32-33 करोड़ रुपया उन्हें जमा किया, उन्हें जनाब ने दिता वा। किन्ने पैसे टोटल हो गए ने? टोटल 1 अरब तो ज्यादा नहीं, 2 अरब नहीं जी, अरब तक नहीं हले सी पहुंचे गए, मैं कूड़ मारी। अच्छा अरब तो थले ही आ गए। अच्छा जदों तुसी जहाज ते गए, जहाज तो उतर रहे सी, एक ताड़ी तस्वीर बड़ी वायरल हुई जिंदे विच तुसी छापर फड़े हुए सी। हां जी हां जी, कपड़े खराब नहीं, मैं छापर एक सूट पाया सी। अच्छा। वो अबू बैग च पाला, मैं नहीं यार मेरे को रहन दे, 100 अगा पिछा हो जाता वा, मैं अपने छापे सादा जावा बंदा जी, मजदूर छापर च लैके जांदे। हां जी नहीं हुण तो उन्हें बैग मैंने दिते, 2 अंदर पए आ, पर व्याह शादी जाइए फिर इतों कराची जाना, जहाज से गड्डिया जाना, कहे कपड़े खराब होंगे, और मान ने एक जोड़ा छापर च पाले, मान ने तुर पे सादे जे बंदे जी, मगरूरी नहीं सकदे। अरशद नदीम साहब किन्ना बदले, लोग कहंदे ने जी बदल गए, अरशद नदीम साहब किन्ना बदले ने? नहीं जी वो भी सादा जा बंदा, मगरूरी ओदे विच कोनी है कि किथे मर्जी वेला, बिल्कुल सादा जा। पैसे आन तो बाद हां जी हां जी ओने अपनी सोच बदल तां नहीं लेती कि पैना भरावां नूं बुलावना छड्ड दित्ता, पिंडे च आवना छड्ड दित्ता? नहीं जी नहीं नहीं नहीं, वो कदों जांदा ना कराची जांदा, पहले थे मेरे को लेंदा वा सलाम करदा, उस तों बाद अगे जांदा वा लाहौर जांदा, इत्थों सलाम करदा। ताबेदारी च कोई फर्क नहीं जी? नहीं कोई फर्क नहीं होंदे, वो बच्चा ही पहले किन्ना ताबेदार सी ताडा ते हुण किन्ना? हुण वी थोड़ा ज्यादा जी, पहले जरा बस काम सी उहनूं मैं पालदा सी, हुण अपने आप नूं पैर उहदे लग गए आ, हुण उदों ज्यादा इज्जत करदा। उहने मैनूं किन्ना प्यार करदा है, भैणां भरावां नाल किन्ना प्यार करदा,
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਕਾ ਸ਼ਬਕਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਬੈਠ। ਵਾਅਦਾ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਚ ਕਰਦਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੱਟੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਸੀ ਕਾਂਡੀ ਵਾਣੀ, ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇਸੀ ਕਾਂਡੀ 'ਚ, ਕੀ ਬਾਜਦਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇਸੀ ਕਾਂਡੀ ਵਾਹ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇੰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ, ਗਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਡਾਈ ਅਖਵਾਹ ਡੁਆਈ ਡਾਈ ਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਬੜੀ ਅਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਮੰਗਾਂ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ? ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਤੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟਰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਨੇ ਲਾਣ ਲਈ ਚਨਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਈ ਨਾ? ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਹਾਂ ਤਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਚਕਾਈ ਇਤਨੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਬੋਲਣਾ, ਮਿਸਟਰ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਖਰੇ ਨੁਖਰੇ ਆ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੌਧਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹੋਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਸੀ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਅਰਸ਼ਦ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸਰਦੇ ਆ ਦਸਤਗਰਦ, ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਫਲਾਣ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਆਹਾਂ ਡੁਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਆਹਾਂ ਲੋਕੀ ਡਾਉਣਗੇ, ਗਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅਰਸ਼ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲੋ, ਦਸਤਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਗਿਆ, ਨਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਨਖਰੇ ਮਾਮਲਾਤ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਮੇਰਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਮੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣੋ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਡੋਲੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਆ 92, 94, 98, 99, 100, 1000, 2000, 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 2
गाड़िया भी करता रहा कि सारे वाकफ ने अल्लाह ने मेरी बड़ी इज्जत बनाई है। इस तो बाद चंद दीन की जी इज्जत बनाई है मेरे अल्लाह तला ने होर बनाती है कि मैं आपकी औकात नहीं भुला तेरे सामने सादा जहा बैठा। हालांकि मेरे पुत्र ने गड्डी भी दी है 50 लाख रुपया मैंने नाम भी कराया वा 40-45 हज़ार रुपया मैंने बैंक जी उन्होंने लवाता कि अबू तू नमाज पढ़ वेला रहा मैं लोगों की खिदमत करता हूँ। मैं 6वें मोची का और 2वें जी आए परसों मेरे रोंद से मैंने मूटर मीटर लवा के आए डिपार्टमेंट महकमे ताड़ी गल मानदे बिल्कुल मानदे हर महकमा मानदा बहुत शुक्रिया नाज़रीन।